रांची ग्राम सिमलिया थाना रातू मौजा 69 जिला रांची में दो पक्षों के बीच पिछले कई दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जुम्मन अंसारी और शफीक अंसारी दोनों ही आपस में गोतिया है। इस जमीन पर पहले धारा 144 लगाया गया, फिर धारा 107 लगाया गया। उसके बाद परमिशन सूट में यह मामला सब जज कोर्ट में केस चल रहा है। दूसरा पक्ष शफीक अंसारी लगातार इस जमीन पर मामला कोर्ट में चलने के बावजूद काम कर रहे हैं। प्रथम पक्ष जमीन मालिक जुम्मन अंसारी जब इस जमीन पर गए तो रातू थाना ने उनको थाने में बुलाया। जुम्मन अंसारी ने बताया कि रातू थाना ने कहा कि धारा 144 की समय अवधि खत्म हो गई है, जमीन पर काम नहीं रुकवाया जा सकता है। जुम्मन अंसारी का कहना है कि जब जमीन पर 107 और टाइटल सूट का मामला चल रहा है तो कैसे शफीक अंसारी द्वारा काम कराया जा रहा है। शफीक अंसारी भू माफिया जगदीश गुप्ता, नूरुल हुदा और मुकेश पांडे से मिलकर जबरदस्ती जमीन पर काम कर रहे हैं। जुम्मन अंसारी ने रांची जिला प्रशासन और रातू थाना से अपने जान माल की नुकसान की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो फिर यहां काम किस कैसे चल रहा है। जुम्मन अंसारी ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस संबंध में न्याय की मांग की। मामला मेरा ये है कि सिमलिया जो है रातू थाना के बगल में सिमलिया गांव है, उसमें मेरा जमीन कुछ है। गोतिया भाई लोग उस जमीन को देना नहीं चाह रहे हैं, लोग उस जमीन को दबा रहे हैं। हमारा दादा लोग, वो लोग का तीन हिस्सा था, वो लोग में तीन हिस्सा में मेरा दादा को कम हिस्सा मिला और वो लोग को ज़्यादा हिस्सा मिला। उसी में मेरा ज़मीन है, उसको हम कहते हैं कि मेरा ज़मीन दे दो, तो वो लोग हमसे विवाद करता है और धमकी भी देता है। और हमको थाना प्रभारी में बुलाया था, कल वहाँ गए थे तो वहाँ देखे कि नूरुल हुदा जगदीश गुप्ता था, नूरुल हुदा था और मुकेश था, ये लोग था। ये लोग अपना ये करके और वहाँ समझाने चाह रहा था, लेकिन वहाँ बहुत लफड़ा वो लोग कर दिया था। गोतियाल भाई लोग भी आया था, वो लोग भी बहुत बोल रहा था कि बाहर रहने से तुमको दिखा देते, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, ऐसे धमकी दे रहा था। जमीन वहाँ पड़ता है 1 एकड़ 85 डिसमिल पड़ता है, 69 है खाता नंबर, मौजा सिमलिया है और थाना रातू है। वही दिक्कत हो रही कि काम वहाँ केस चल रहा है और वहाँ काम चला रहा है वो लोग, तो काम नहीं ना चलना चाहिए वहाँ, कर देगा तब उसके बाद काम ले चलावे कोर्ट में, लेकिन वहाँ से रुकावट नहीं है। थाना भी बोल दिया कि आप लोग कोर्ट से समझिए, अब हम थाना वहाँ रुकावट करने नहीं जाएंगे, इसलिए कि 144 था उसका टाइम ख़त्म हो गया, ऐसे बोल के बोला। तो आप लोग वहाँ कोर्ट जाइए, आप लोग को जो करना है कीजिए। हम यही चाहते हैं कि हमारा हिस्सा मिल जाए, हम गरीब आदमी हैं, हमारा बाल बच्चा है, हमारा हिस्सा मिल जाए और उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। हिस्सा दिलवा दे बढ़िया से और हम सुकून चैन से अपना रहें, हमारा बाल बच्चा अपना पाले पोसे। हम गरीब आदमी, इतना खर्चा कर नहीं सकते हैं जितना ये लोग हम परेशान कर रहा है, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि आप सरकार से निवेदन है कि हमारा हिस्सा दिलवा दें और बस कुछ नहीं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम तो मजदूर आदमी है ही, हम तो इस माने मैटर में आ नहीं सकते, इसलिए कि हम इतना खर्चा कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम ये अपील कर रहे हैं कि हमारा ये काम बन जाए आसानी के साथ, तो हम सुकून और चैन के साथ रहेंगे, हमारा बाल बच्चा खिलाएंगे पिलाएंगे। भैया हम रोज मजदूरी करके कहाँ से इससे कैसे लड़ सकेंगे या कहाँ से उसे फौजदारी कर सकेंगे या लड़ाई कर सके, हमसे नहीं होगा। इसलिए इसको निवेदन है कि आप इसको हमारा फैसला कर दीजिए और दिलवा दीजिए हमारा हिस्सा। तो अभी 107 लगा हुआ है, उसमें भी काम चल रहा है वहाँ, हमारा 44 लगाए थे या कोर्ट का मामला है, कोर्ट में भी चल रहा है। इसके लिए प्रशासन से ये कह रहे हैं कि वो अपना ये लगा के और उसको रोक दें काम को, और
वहाँ हम अगर जाते हैं मना करने तो वहाँ विवाद खड़ा होता है। हमारा जान माल का माने डर है, हमारा जान माल का नुकसान होने का डर है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। इसलिए प्रशासन से ये निवेदन है कि प्रशासन अपना ये काम कर दे, रोक दे काम को। पेपर है मेरे पे तो है ना, ऐसा है जैसे मान के चलिए हमारा दादा लोग उन लोग का उनको हमारा दादा का अब्बा लोग से वो लोग दो भाई थे और उन लोग का पैदाइश हुआ उसका दो बेटा हुआ और मेरा दादा का बाप का एक बेटा मेरा दादा हुआ। अब इसमें उसमें बंटवारा होना चाहिए जो हिसाब से बराबर हिस्सा, वो बंटवारा नहीं होके दो भाई ज़्यादा ले लिया और एक भाई को कम दिया, तो वही मेरा ज़मीन जो है वही बंटवारा में उसी को हम लेना चाह रहे हैं। अब वो ज़मीन मेरा हो जाए हम खुदे दे हमारा हिस्सा, बस ख़त्म बात, हम उसमें कुछ करने जा रहे हैं सो बात नहीं है, या लड़ाई झगड़ा हमको करना है सो बात नहीं है। यो तो अगर मेहरबानी उन लोग का हो कि हमारा ज़मीन अगर बढ़िया से दे दे तो हमको उसमें कोई एतराज नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।